एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोड बाय आशीष। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर क्लिक की गई किसी भी इमेज के ऊपर, जैसे कैमरा से अपन कोई भी फोटो क्लिक करवाते हैं, उसके ऊपर हम जियो टैग्स को कैसे ड्रॉ करवा सकते हैं। जिसका एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक इमेज के अंदर दिखाता हूँ। जैसे एक कैमरा से क्लिक की हुई एक इमेज है, जिसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक गूगल मैप का एक स्नैपशॉट है जो मार्कर के साथ में है, प्लस लोकेशन है, एड्रेस है, लैटलॉन्ग्स हैं और डेट हो रहा है, डेट और टाइम है, और इसके अलावा भी कुछ और फर्दर इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो वो कैसे अपन यहाँ पे इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ बेसिक सी फंक्शनलिटीज़ होती हैं जो आपको मैं भी यहाँ पे शो करूँगा। तो इसको कैसे अपन अचीव कर सकते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, तो वो भी आपको मैं यहाँ पे शो कर लूँगा। तो सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे और यहाँ पे सिंपली सर्च करेंगे हाउ टू ड्रॉ जियो टैग्स ऑन इमेजेस इन एंड्रॉइड स्टूडियो। जियो टैग्स ऑन इमेजेस इन एंड्रॉइड स्टूडियो ये सर्च करेंगे। ये सर्च करने के बाद में जो स्टार्टिंग का सबसे पहला जो लिंक आएगा मीडियम का, मीडियम आर्टिकल का जो आएगा, इस पर अपन क्लिक करेंगे जियो टैग्स ऑन इमेजेस। तो यू कैन सी हमारे पास ये एक मीडियम का आर्टिकल है जो हमारे पास निकल के आता है। इसके अंदर इसका डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और इसकी जो एक लाइब्रेरी डॉक्यूमेंटेशन है उसका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हो और इस लाइब्रेरी को आप इम्पोर्ट कर सकते हो अपने एंड्रॉइड प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो ब्रीफ में मैं आपको इसके कुछ पॉइंट्स हैं, की फीचर्स हैं, वो मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। जो ये 9 पॉइंट्स हैं जिनका एक स्मॉल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे भी आपको मेंशन किया हुआ मिल जाएगा। सबसे पहला है रिक्वेस्ट कैमरा एंड लोकेशन परमिशन। तो जैसा कि आपको पता है कि हम क्या करवाने जा रहे हैं, कैमरा के थ्रू अपन एक फ़ोटो क्लिक करेंगे। फ़ोटो क्लिक करने के बाद में उसके ऊपर अपन डिवाइस का करंट लोकेशन या फिर उस लोकेशन को अपने एक मैप के साथ में यहाँ पर शो करवाएंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है अपने को अगर कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो हमें कैमरा की परमिशन रिक्वायर्ड होगी। अगर हम लोकेशन यूज कर रहे हैं, गूगल मैप अगर यूज कर रहे हैं, तो हमें लोकेशन की परमिशन रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो आपको विदाउट एनी एक्स्ट्रा कोड आपको ये लाइब्रेरी खुद ही ये कोड लिख के और प्रोवाइड कर देगी, कि आपको ना तो एक्स्ट्रा कोड लिखने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे परमिशन के लिए कैमरा और लोकेशन की, और ना कुछ और आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इस डिपेंडेंसी के कॉल बैक से ही वो चीज़ ऑटोमेटिकली कर लेंगे। दूसरा पॉइंट है शो लोकेशन एंड एड्रेस। तो जैसे कि लोकेशन हो गया अपना और ये एड्रेस हो गया, और लेट लॉन्ग्स हो गए, ऑथर का नेम हो गया कि जिसने फ़ोटो क्लिक करी है। सपोज अगर आप उस पर नाम भी लिखवाना चाहते हैं कि भाई ये फ़ोटो किसने क्लिक की है, तो क्लिक्ड बाय और उस ऑथर का नेम आ जाएगा वहाँ पे। एप्लीकेशन नेम, अगर सपोज आपके पास आपके एप्लीकेशन का नाम भी आप उस पर ड्रॉ करवाना चाहते हो इमेज के ऊपर, तो एप्लीकेशन का नाम भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। गूगल मैप का स्नैपशॉट है, अगर आप उसको शो करवाना चाहते हो या नहीं करवाना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो गूगल मैप के लिए एक स्पेसिफिक बात है। अब जैसे कि आपको पता है गूगल मैप हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमारा एंड्रॉइड प्रोजेक्ट होता है वो GCP के साथ में, यानी कि गूगल कंसोल के साथ में सिंक्ड होता है ना, क्योंकि गूगल मैप SDK वो एक पेमेंट पेड सर्विस है गूगल की, तो उसको अपन बिना बिलिंग अकाउंट के यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपका प्रोजेक्ट ऑलरेडी एक GCP प्रोजेक्ट से सिंक्ड है, तो आपको आपके इमेज आउटपुट के अंदर ये स्नैपशॉट यहाँ पे शो कर जाएगा, अदरवाइज़ क्या करेगा ये हाइड हो जाएगा और बाकी के जो इन्फॉर्मेशन हैं वो यहाँ पे सिंपली शो हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है सेट इमेज क्वालिटी। इमेज क्वालिटी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको नॉर्मल मिलेगी। अगर इसके बाद में अगर आप लो क्वालिटी या फिर हाई क्वालिटी चाहते हो तो आप उसको सेट कर सकते हो सेट इमेज क्वालिटी मेथड के थ्रू। ठीक है, और इमेज का एक्सटेंशन आप चेंज कर सकते हो लाइक PNG, JPG या JPEG, और कस्टम टाइपफेस। टाइपफेस का मतलब है कि फॉन्ट अगर आप चेंज करना चाहो इस टेक्स्ट का तो भी आप चेंज कर सकते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं इस लाइब्रेरी को अपन हमारे एंड्रॉयड प्रोजेक्ट के अंदर कैसे इसको इम्पोर्ट करेंगे। तो इम्पोर्टिंग के लिए सबसे पहले मेरे को एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ, नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ एक। का नाम मैं यहाँ पे जियो टैग ऐप रख देता हूँ।
जब तक एप्लीकेशन बिल्ड होती है तब तक मैं डॉक्यूमेंटेशन पे चलता हूँ, और ये इसका गिटहब का पूरा रिपोजिटरी कोड है और इसका डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे पूरा प्रोवाइड मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें फॉलो अप करके और कोड को इंपोर्ट कर सकते हैं। कोड प्लस लाइब्रेरी, लाइब्रेरी इंपोर्ट करोगे तभी आप कोड को यूज कर पाओगे, ठीक है। तो उसकी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। तो प्रोजेक्ट हमारा वो बिल्ड हो चुका है और अभी हम चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन की ओर। डॉक्यूमेंटेशन हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है, ऐड रिपोजिटरी इन सेटिंग्स डॉट ग्रेडल। तो अपन फिलहाल के लिए इस प्रोजेक्ट में अपन कोटलिन DSL का यूज कर रहे हैं KTS फॉर्मेट में। तो अपन KTS वाला रिपोजिटरी यहाँ से कॉपी करेंगे। तो अपने को कहाँ पे पेस्ट करना है इसको, इन योर सेटिंग्स डॉट ग्रेडल डॉट KTS में। तो सिंपली इसको कॉपी करेंगे, कॉपी किया और यहाँ पे आके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये इतना काम हो गया। अभी मैं क्या करूँगा कि जितना भी इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स में जितना भी पूरा कोड लिखा हुआ है वो कोड सारा एक बार में के लिए मैं इंपोर्ट करूँगा। उसके बाद में मैं आपको ब्रीफ में स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दूंगा कोड कैसे कैसे काम कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो इतना काम अपना हो गया। अब डिपेंडेंसी ऐड करनी है अपने को, तो डिपेंडेंसी के लिए अपन KTS फाइल वाला डिपेंडेंसी को कॉपी करेंगे कोटलिन वर्जन के लिए, और मॉड्यूल लेवल की जो बिल्ड ग्रेडल फाइल है उसके अंदर अपना के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे उसको। तो ये अपने पेस्ट कर दिया और सिंक कर लेंगे प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट है हमारा सिंक हो चुका है। सिंक होने के बाद में नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, ऐड फाइल प्रोवाइडर इन एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल। तो वो आपको पता है अगर हम कोई फाइल, जैसे इस एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस ये होगा कि कैमरा से अपन फोटो क्लिक करेंगे, उस फोटो को अपन रीड भी करेंगे, ठीक है। तो अपने पास फाइल प्रोवाइडर पाथ, अपने को मेटा डेटा अपने को मैनिफेस्ट के अंदर प्रोवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज एप्लीकेशन अपने को उस फाइल का पाथ रीड करने नहीं देगी, ठीक है। तो मैनिफेस्ट के अंदर आएंगे और अपना जो एप्लीकेशन का टैग है उसके अंदर जाके इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट कर दिया। अभी क्या बोल रहा है कि प्रोवाइडर पाथ अपने असाइन नहीं किया इसको। तो प्रोवाइडर पाथ का नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे, क्रिएट एन XML फाइल फॉर पाथ प्रोवाइडर, ठीक है। तो ये वाला कॉपी अपन कर लेंगे यहाँ से, और प्रोवाइडर पाथ की एक XML फाइल अपन को XML वाले के अंदर यहाँ से जाएंगे रिसोर्स XML एंड यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे XML रिसोर्स फाइल। इसका नाम अपन रख देंगे प्रोवाइडर अंडरस्कोर पाथ, जो कि अपने को यहाँ पे ये है, सॉरी पाथ्स है यहाँ पे, तो अपने पाथ्स रख दिया, ठीक है। ये हो गया, अपने क्रिएट कर लिया इसको, और इसकी जगह पे अपन जो कोड हम वहाँ से उठा के लाए हैं इस वाले को पेस्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या आती है अपने पास, XML कोड। गो टू हियर XML के लिए अपन एक्टिविटी डॉट मैन XML जो अपनी फाइल है उसमें से अपना XML कोड को कॉपी कर लेंगे, जो भी सैम्पल के लिए सिर्फ। बाकी आप अपने प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको आप चेंज भी कर सकते हो, बट अभी सैम्पल मुझे को शो करना है तो सैम्पल के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है कोड, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लीनियर लेआउट है, ठीक है। ये मेन एक्टिविटी का पेज है अपना XML फाइल, और इसके अंदर आके मैं इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद कुछ एक दो एरर्स आएंगी मेरे को जो, हाँ यहाँ पे ड्रॉएबल को लेके आ रही है, IC क्लोज और एक कैमरा। तो अपने पास दो आइकन से वो अपने को इम्पोर्ट करना है। तो ड्रॉएबल में जाता हूँ, यहाँ से न्यू वेक्टर एसेट, और दो आइकन मैं यहाँ से उठा लूँगा। एक तो अपने को चाहिए कैमरा, कैमरा कौन सा आइकन उठाए, चलिए ले लेते हैं, ये अपने उठाया, नेक्स्ट किया, फिनिश। दूसरा आइकन अपने को चाहिए एक क्लोज का, वेक्टर एसेट, और इस पर क्लिक किया, ओके। समटाइम्स ये क्या करता है, प्रॉब्लम करता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखना। अगर आपके पास भी ये सेम प्रॉब्लम अगर आपका एंड्रॉइड स्टूडियो फेस कर रहा है तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। समटाइम्स क्या होता है कि सारे आइकन्स रीलोड नहीं होते हैं अपने डायलॉग बॉक्स के अंदर, तो इसको फिक्स कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपने जहाँ पे भी अपना एंड्रॉयड SDK पाथ दिया हुआ होता है, ठीक है, स्टूडियो को, उसके अंदर आपको जाना है। जैसे मेरा SDK पाथ यहाँ पे है, यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ से मैं आइकन्स को सिलेक्ट करूँगा, देन मटेरियल, यहाँ पे जो लास्ट में एक फाइल क्रिएट होती है टेक्स्ट फाइल, इसको जाके रिमूव कर देना है, ठीक है।
ये करते ही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इस पे। जैसे अपन वापस अपन जाएंगे ड्रॉएबल नेक्स्ट वेक्टर एसेट, ये आपके सारे आइकन से वो वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो एक समटाइम्स क्या होता है ग्रेडल का इश्यू रहता है, एसडीके का कभी कोई इश्यू कर देता है स्टूडियो, इस वजह से ही प्रॉब्लम करता है। तो अपने को यहाँ पे चाहिए था एक क्लोज का आइकन, तो ये क्लोज एंड दिस नेक्स्ट एंड फिनिश। ठीक है, अब यहाँ पे अपन चेंज कर लेते हैं इसको जो अपन ने यूज इम्पोर्ट किए, कैमरा आइकन हो गया, दूसरा अपना क्लोज आइकन हो गया। ठीक है, ये काम हो गया, एक्सएमएल फाइल अपनी कुछ इस तरीके से रेडी हो चुकी है। अब बात करते हैं मैन एक्टिविटी की, मैन एक्टिविटी में आते हैं, इसका कोड मैन एक्टिविटी का उठाते हैं यहाँ से। तो सिंपली अभी के लिए मैं यहाँ से पूरा कोड को कॉपी कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो मैन एक्टिविटी मैंने उठाई और इसको यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ, रिप्लेस मैंने कर दिया है और फिर उसके आगे क्या है ओपन कैमरा, ओपन कैमरा का एक मेथड फंक्शन बनाया हुआ है उसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद अपने मैन कोड में आके इसको पेस्ट कर दिया। ये पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट है ऑन एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर। ठीक है, तो एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर के मेथड को भी अपन ने कॉपी किया और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर लिया, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है हैंडल रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट, तो इसको भी अपन यहाँ से कॉपी किया पेस्ट किया एंड प्रीव्यू द ओरिजिनल इमेज। ठीक है, ये लास्ट मेथड है अपना, इसको अपन ने इंपोर्ट कर लिया। अब हो सकता है आपको देखने में ऐसा लग रहा हो कि काफ़ी लेंथी कोड है ये, लेकिन लेंथी इसमें कुछ नहीं, जब मैं आपको ब्रीफ में इसका एकदम से बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप तो आप बिल्कुल इजी लगेगा आपको और बहुत जल्दी आपको समझ में भी आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी इसमें कुछ समझ में नहीं आता है, कन्फ्यूजन होता है, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और कुछ भी इश्यू अगर आपको इसमें फेस करना पड़ रहा है लाइब्रेरी में, डिपेंडेंसी या एप्लीकेशन में, तो आप मेरे को इस डिपेंड इस पे रिपोजिटरी पे जाके आप इश्यू राइज कर सकते हैं गिटहब पे, और कमेंट बॉक्स में भी आप मेरे को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को इम्पोर्ट कर लेता हूँ क्लासेस को जो जो यहाँ पे यूज्ड हुई हैं। इसके बाद मैं आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता हूँ इसका। क्लासेस इंपोर्ट करने के साथ साथ मैं आपको मैं इस एप्लीकेशन का एक यूज़ केस बताता हूँ। लाइक समटाइम्स क्या होता है कि कुछ एप्लीकेशंस या कुछ सॉफ्टवेयर्स कैसे होते हैं कि जैसे उनमें क्या होता है कि आपको रियल टाइम, मतलब जो भी यूज़र होता है या फिर जो भी कोई सुपरवाइज़र होता है, सर्वेयर होता है, इस टाइप का कोई भी अगर यूज़र होता है, तो उसको क्या होता है कि रियल टाइम प्रेजेंट होके किसी फील्ड पे या फिर किसी जगह पे जाके उनको रियल टाइम फ़ोटो अपलोड करनी पड़ती है सर्वर तक। ठीक है, सर्वर को मतलब रियल टाइम फ़ोटो पहुंचानी होती है, जिसमें हो सकता है कि आपका कोई भी एडमिन होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, आपको बोल दे कि आपका लोकेशन कहाँ है, आपने कहीं से फ़ोटो अपलोड करी, तो मतलब उस केस में या फिर ऐसा कोई यूज केस आपके एप्लीकेशन या आपके प्रोजेक्ट में होता है, तो उस टाइम पे ये एप्लीकेशन या फिर ये फंक्शनलिटी आपके काफ़ी काम आ सकती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये चीज़ बनाई गई है कि आप इसको मतलब इतना इजीली अचीव कर सकते हो भाई सिंपल से कोड से। ठीक है, अब मैं इस पूरी क्लासेस मैंने इंपोर्ट कर लिया, तो इसका स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ। ये तो हो गया, आपको पता ही है कि ग्लोबल वेरिएबल्स हैं कुछ जो अपने एक्सएमएल क्लास के अंदर हैं, एक्सएमएल फाइल के अंदर हैं, तो वही चीज़ें हैं सारी। इमेज आइकन्स हो गया, कोई बटन हो गया, तो उसका जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, जो आईडीज है, वहाँ पे इनिशियलाइज कर लिए। ठीक है, ये करने के बाद में यहाँ पे आते हैं, ये मैन एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट है, इसको इनिशियलाइज कर लिया। इसके बाद में परमिशन कॉल बैक, इसको भी इनिशियलाइज कर लिया है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इसका की पॉइंट। ठीक है, रिक्वेस्ट कैमरा एंड लोकेशन परमिशन कॉल बैक, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखना पड़ेगा कैमरा और लोकेशन की परमिशन कॉल करने के लिए, आपको कोई भी एक्स्ट्रा कॉल मेथड नहीं लिखना पड़ेगा। ये डिपेंडेंसी या लाइब्रेरी, इसका खुद का ये काम है कि ये खुद चेक करेगी कि आपकी एप्लीकेशन को कैमरा और लोकेशन की परमिशन परमिट है या नहीं है यूजर की साइड से। अगर है देन वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो आस्क करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, वो भी मैं दिखा देता हूँ कि कैसे रिक्वेस्ट करेगा और कहाँ पे करेगा।
और अब नीचे आते हैं, नीचे आएंगे तो इधर आप देख सकते हो, यहाँ पे बात करते हैं तो GTA क्लास है ये, जो इसका ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे बनाया गया है, जो क्लास है जिसका मेन फंक्शनलिटी ये काम करेगा, उसका ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे बना लिया जियो टैग इमेज, और इसके बाद में यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर लिया ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर। ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर इसलिए इसको करना है बिकॉज अगर कोई भी एक्सेप्शन आता है आपको तो आप इसको रीड कर सकते हो अपने लॉकेट के अंदर, ठीक है। तो इनिशियलाइज के अंदर आपको आपका एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट पास करना है, एक्टिविटी या फ्रेगमेंट आप जो भी यूज़ करो उसका कॉन्टेक्स्ट आपको पास करना है, और परमिशन कॉल बैक आपको पास कर देना ताकि वो चेक करेगा, ताकि वो डिपेंडेंसी खुद, वो क्लास खुद चेक करेगी कि परमिशन है कि नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कैमरा पे, अगर मैं EIV कैमरा है अपने पास, मतलब एक कैमरा आइकन है, इस पर अगर अपन क्लिक करेंगे तो अपने पास क्या एक्शन होना चाहिए, अगर क्लिक करते हैं तो क्या करेगा, कंडीशन लगा रखी है इफ़ GTA परमिशंस डॉट चेक कैमरा लोकेशन परमिशन, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर आपके एप्लीकेशन को परमिशन है वो चेक करेगा, अगर परमिशन है तो ओपन द कैमरा, ठीक है, कैमरा ओपन कर देगा डिवाइस का, अदरवाइज क्या करेगा, रिक्वेस्ट फॉर कैमरा लोकेशन परमिशंस, ठीक है। सीधी सी बात है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ पे लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, जो अपन लिखते थे ना कि एक्टिविटी कॉम्पैट डॉट चेक सेल परमिशन, दिस परमिशन इज ग्रांटेड और नॉट वगैरह वगैरह, तो वो आपको एक्स्ट्रा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो बात करते हैं ओपन कैमरा की, अगर आपके पास परमिशन परमिटेड है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटेंट के थ्रू अपन ने कैमरा ओपन करवाया, ठीक है। ओपन करवाने के बाद में अपने पास जो ओरिजिनल इमेज आई, ठीक है, उस ओरिजिनल इमेज का आपने क्या किया, उसको उसका पाथ निकाला अपन ने, ठीक है, ये लाइन यहाँ से डिलीट कर दो, ये यूजलेस है। अपन ने क्या किया, जो कैमरा ओपन होने के बाद में जो फोटो अपने पास क्लिक हुई, उस फोटो का ओरिजिनल पाथ अपन ने यहाँ से निकाल लिया फाइल के थ्रू, ठीक है। फाइल के थ्रू ओरिजिनल पाथ आने के बाद में अपन ने क्या किया, उसका एक URI फॉर्मेट भी निकाल लिया अपन ने फाइल का, इसको अपन ने GTA यूटिलिटी क्लास के थ्रू ही अपन ने उसका फाइल का URI फॉर्मेट अपन ने निकाल लिया। ये निकालने के बाद में अपन ने उसको एक्टिविटी लॉन्चर के थ्रू पिक कर लिया। अब मैं आपको एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान लेने लायक है कि आफ्टर एंड्रॉयड 11, स्पेशली आफ्टर एंड्रॉयड 11, आप किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू अपने डिवाइस का स्टोरेज आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, यानी कि आप किसी भी मेन फाइल, ओरिजिनल फाइल के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ भी करना है उसके जैसा तो आपको पहले उस फाइल का क्लोन बनाना होगा, ठीक है। आप क्लोन बनाओ, क्लोन बना के इंटरनली क्लोन बनेगा उस फाइल का, और उसके ऊपर ही आप कुछ ऑपरेशंस कर सकते हो, अदरवाइज आप मेन फाइल को नहीं छेड़ सकते, ये बात ध्यान में रखना हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये यूटिलिटी गेट फाइल URI, ये फाइल निकाल ली अपने, फाइल URI, ठीक है, मतलब ओरिजिनल फाइल का पाथ अपने निकाल लिया, उसको फाइल URI में कन्वर्ट कर लिया, इतना काम हो गया। इतना काम होने के बाद में अपना काम मैन स्टार्ट होता है, यहाँ से देखो, स्टार्ट द मैन फंक्शनलिटी, ये यहाँ पे लिख रखा है, नाउ कॉल द फंक्शन क्रिएट इमेज एंड पास द URI ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने GTA क्लास को पकड़ा, उसको बोला कि क्रिएट इमेज, तो अपन ने क्या किया, उस फाइल का जो ओरिजिनल फोटो अपने पास क्लिक होके आई है कैमरा से, उसका अपन ने क्लोन बनवाया है, किससे, इस GTA क्लास से। GTA क्लास से खुद ये काम करेगी, उस फाइल का एक क्लोन बना देगी आपके इंटरनल स्टोरेज के अंदर, ठीक है, उस फाइल URI को पकड़ के। ये हो गया काम। इतना काम होने के बाद में सेट ऑल द कस्टमाइजेशंस फॉर जियो टैगिंग एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। अब आपको जैसा भी, जिस भी डिज़ाइन में आपको जियो टैगिंग करवानी है अपने फ़ोटो के ऊपर, जैसे सपोज मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ये डिज़ाइन रहेगा जिसका बैकग्राउंड थोड़ा कुछ ट्रांसपेरेंट ब्लैक में ये रहेगा, फ़ॉन्ट का कलर वाइट है, फ़ॉन्ट टाइप फेस ये रहेगा, इस टाइप से इतना डेटा आएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने यहाँ पे डाल रखी है, सेट इमेज टेक्स्ट, तो टेक्स्ट का जो साइज़ है वो ये रहेगा, बैकग्राउंड रेडियस, रेडियस यानी कि जो ये है ना, ये रेडियस यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर आप डाल सकते हो, टेक्स्ट का कलर क्या रहने वाला, व्हाइट, तो व्हाइट यहाँ पे डाल रखा ऑलरेडी। सेट ऑथर नेम, ऑथर नेम यानी कि ये फोटो किसने क्लिक करी है, आप उसका नाम भी डाल सकते हो, अगर आपको हाइड करना है तो आप फॉल्स कर सकते हो, यहाँ पे फॉल्स कर दोगे तो हाइड हो जाएगा। एप्लीकेशन नेम, शो ऐप नेम, अगर आप इसको आपकी एप्लीकेशन का नाम भी अगर आप शो करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे
इसमें नहीं है, लेकिन अगर मैं इसका आउटपुट जब मैं दिखाऊंगा उसमें एप्लीकेशन का नेम भी आएगा अपना, ये वाला जियो टैग ऐप, ठीक है। ये ट्रू कर दोगे तो ऐप का नेम दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट है सेट इमेज क्वालिटी, आपको क्वालिटी कैसी चाहिए इमेज की, लो, हाई और नॉर्मल, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल आएगी और लो अगर आप चाहो तो लो कर सकते हो इसको, या फिर हाई भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए इसको हाई कर देता हूँ। नेक्स्ट है सेट इमेज एक्सटेंशन लाइक आपको कैसा चाहिए, PNG, JPG या JPEG। तो अभी के लिए बाय डिफ़ॉल्ट PNG पड़ा है और PNG में इसको रख लेता हूँ। अब नेक्स्ट है आफ्टर जियो टैग्ड फोटो इज क्रिएटेड, गेट द न्यू इमेज पाथ बाय यूजिंग गेट इमेज पाथ, ठीक है। अब आपके जितने भी ऑपरेशंस आपने करवाए इमेज के ऊपर, वो ऑपरेशंस होने के बाद में अब एक आपकी नई फाइल क्रिएट हो गई है, ठीक है, इतना सब कुछ होने के बाद में। तो उस फाइल का आपको पाथ निकालना है जो आपके इंटरनल स्टोरेज के अंदर स्टोर हुई थी। तो अपन ने ग्लोबल वेरिएबल पकड़ा स्टरिंग पाथ का कि GTI इमेज स्टोरेज पाथ, और उसी क्लास को पकड़ा अपने जो GTI क्लास है उसको पकड़ा, उसको बोला कि गेट इमेज पाथ, मतलब मेरे को पाथ रिटर्न कर दो, ठीक है। इसने पाथ रिटर्न कर दिया अपने को। अभी यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ है कि यहाँ पे एक चीज़ है ध्यान पूर्वक देखना, द टाइम इज टेक फॉर यू ए कैनवास टू ड्रॉ आइटम्स ऑन ए ब्लैंक बिटमैप कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन सेवरल फैक्टर्स सच एज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द आइटम्स बिंग ड्रॉन, द साइज ऑफ बिटमैप एंड द प्रोसेसिंग पावर ऑफ द डिवाइस। अब इस चीज़ को आपको मैं समझाता हूँ कैसे। अपने पास एक ओरिजिनल इमेज आई थी कैमरा से क्लिक होके, उसका अपन एक क्लोन बनवाया, ठीक है। उस इमेज का क्लोन बनवा के अपन ने इतने सारे आइटम्स उस पर ड्रॉ करने चाहे, लाइक ये प्रॉपर्टीज़ अपने इसको दी हैं क्लास को कि मेरे को ये आइटम इस तरीके से चाहिए। अब ये डिपेंड करेगा कि आपने कितने आइटम्स प्रोवाइड किए उसको, लाइक उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, हार्ड है, मतलब कितना छोटा दिया है, क्या दिया है इस टाइप का, ठीक है। इसके बाद में बात करेगा साइज़ ऑफ द बिट मैप, आपके डिवाइस के कैमरा सैंपल पे डिपेंड करेगा कि उसने कितना साइज़ का फ़ोटो क्लिक किया है, उसने जब वो क्लोन हुआ है तो कितना साइज़ था, ज़्यादा का था थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम ले सकता है, कम का होगा ऑब्वियस सी बात है वो फास्ट कर देगा। थर्ड है एंड द प्रोसेसिंग पावर ऑफ द डिवाइस, आपके डिवाइस के प्रोसेसिंग पावर पर भी डिपेंड करेगा वो। आपका लो एंड डिवाइस है थोड़ा टाइम ले सकता है उसमें, आपका डिवाइस फास्ट है तो ऑब्वियस सी बात है उसको प्रोसेस को फास्ट कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 सेकंड का टाइम आउट दिया है मैंने प्रीव्यू करने के लिए, और प्रीव्यू का इससे पहले मैं आपको छोटा सा कोड ये दिखाता हूँ, ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट, जो कहाँ से कॉल होगा अपना, यहाँ से, यहाँ पर अपने डायरेक्टली ओपन कैमरा कर दिया था। तो अगर परमिशन परमिटेड नहीं है तो क्या करता है ये, रिक्वेस्ट करता, रिक्वेस्ट करने के बाद में अपना ये वाला मेथड कॉल हो जाता ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट। तो अगर यूजर उसको ग्रांट करता तो ये वाला मेथड कॉल हो जाता, ठीक है। अभी बात करते हैं प्रीव्यू वाली। तो प्रीव्यू क्या करेगा, प्रीव्यू करने के लिए उस इमेज पाथ को अपने अपने पास क्या कि स्ट्रिंग पाथ आ गया, डिवाइस स्टोरेज से स्ट्रिंग पाथ आ गया, उसको अपने बिटमैप में कन्वर्ट किया। बिटमैप में कन्वर्ट करने के बाद में अब बिटमैप के कन्वर्ट कौन करेगा, GTI यूटिलिटी, यानी कि जो जियो टैगिंग इमेज है उस क्लास को ही अपन ने ये काम दे दिया कि आप ही उसको बिटमैप में कन्वर्ट करो, उसको ऑप्टिमाइज़ करो और हमको एक आउटपुट दे दो इमेज का। आउटपुट मिलने के बाद में हमने आई वी इमेज कहाँ पे अपना, यहाँ पे, ये पूरी फ्रेम है, वो एक पूरी इमेज व्यू है, ठीक है। यहाँ पे आके वो सेट हो जाएगी, वो बिटमैप यहाँ पे आके सेट हो जाएगा, ठीक है। इतना काम हो गया और ये सब बाकी चीज़ें फंक्शनलिटी आप देख लें इसको कोड के अंदर कैसे वर्क करती है। और TV ZT इमेज यानी कि यहाँ पे देखना, जब आपकी फ़ोटो क्लिक होके आ जाएगी तो ओरिजिनल पाथ यहाँ पे आ जाएगा और नई इमेज जो क्लोन बन के आएगी GTI के साथ में, मतलब जो प्रॉपर्टीज़ आपने दी हैं उसको ड्रॉ करने के लिए, उसके साथ में जो नई इमेज का पाथ आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे सेट हो चुकी हैं। अब मैं एप्लीकेशन को आपको रन करके दिखाता हूँ कि कैसे एप्लीकेशन वर्क करती है। पहले प्रोजेक्ट को बिल्ड कर लेता हूँ और एमुलेटर को भी ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, एमुलेटर भी अपना रन हो चुका है और एप्लीकेशन भी अपनी बिल्ड हो चुकी है। अब मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ एक बार। एप्लीकेशन अपनी रन हो चुकी है तो अभी क्या करना है, कैमरा आइकन पे क्लिक करूँगा तो फोटो क्लिक होनी है, ठीक है।
यू कैन सी इसने एप्लीकेशन ने क्या किया, ऑटोमेटिक परमिशन अपने से मांग लिया किस किस की, कैमरा की, फोटो क्लिक करने के लिए। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा वापस यहाँ से कि हमने अभी तक कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखा है पूरी एक्टिविटी के अंदर कि भाई मेरे को परमिशन चाहिए कैमरा की। आप रीचेक कर सकते हो, कहीं पे भी हमने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है। जैसा कि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि ये लाइब्रेरी जो है वो खुद ऐसा काम करेगी कि आपके लिए परमिशन को चेक करेगी। ये देख सकते हो आप हमारी ये जो एक लाइन है ये खुद यहाँ पे चेक कर रही है, उसको परमिशन नहीं मिली है, इसलिए उसने क्या क्या रिक्वेस्ट कर दी यूज़र से कि मुझे इस चीज़ की परमिशन चाहिए। यानी कि अपने को दो ही चीज़ों की परमिशन चाहिए यहाँ पे, कैमरा और लोकेशन की। तो मैंने यहाँ पे यूज कर दिया इसको। अभी सेकंड परमिशन इसकी आ गई कैमरा के लिए, ये कैमरा की परमिशन मैंने दे दी। थर्ड है अपनी स्टोरेज के लिए, क्योंकि अपने को स्टोरेज की रिक्वायरमेंट रहेगी यहाँ पे, इमेज को स्टोर करना, फ़ोटो क्लिक करके उसको फिर वापस रीड करना, तो अपने को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे अपने परमिशन ग्रांट करी उसके बाद अपना डायरेक्टली कैमरा ओपन हो गया। ओपन होने के बाद अपन ने फोटो क्लिक करी, एक ये फोटो क्लिक करी। फोटो क्लिक करने के बाद में हमारे पास एक आउटपुट निकल के आएगा। यू कैन सी, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ओरिजिनल पाथ हमारा ये रहेगा, जी टाइप इमेज पाथ, जो नई इमेज क्रिएट हुई है उसका पाथ हमारे पास ये रहेगा। इमेज का आउटपुट कुछ इस तरीके से रहेगा, जिसको मैं अभी आपको फाइल एक्सप्लोरर के अंदर दिखा देता हूँ। ये फाइल्स हो गया अपना और ये वाली इमेज है। यू कैन सी सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हमने ड्रॉ करवाई हैं इसके ऊपर। लोकेशन हो गया और एड्रेस हो गया, लेट लॉन्ग हो गए, डेट और टाइम हो गया, क्लिक्ड बाय आशीष, यहाँ पे मैंने ऑथर नेम सेट किया था आशीष। दूसरा शो एप्लीकेशन नेम, ऐप नेम, मैंने कहा था आपको एप्लीकेशन नेम आपका जियो टैग ऐप, जो हमारा जियो टैग ऐप नेम है, यहाँ पे ये आ जाएगा, ये आ चुका है अपना। अब मैं सपोज यहाँ पे कुछ और चेंज कर देता हूँ, जैसे कोड बाय आशीष, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। और थोड़ा सा कलर भी अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो इसको मैं 40 कर देता हूँ यहाँ अभी के लिए, टेस्टिंग के लिए। मुझे नहीं पता ये कैसा कलर लेके आएगा अभी फ़िलहाल, लेकिन फिर भी मैंने चेंज कर दिया इसको। तो मैं इसको, इसका आउटपुट देखते हैं अपन। फ़ोटो क्लिक किया, अभी चलो दूसरे एंगल से देखते हैं फ़ोटो क्लिक करके। ये मैंने एक एंगल चेंज कर दिया फ़ोटो का, और इस फ़ोटो को क्लिक करके देखते हैं। ठीक है, इस फ़ोटो को भी लेके आ गया, इसका आउटपुट यहाँ पे देख लेते हैं फाइल एक्सप्लोरर में। ये फ़ोटो अपन ने रिसेंटली क्लिक करी थी, एंड इसमें भी आप देख सकते हो वही चीज़ें, अपना एड्रेस हो गया और लेट लॉन्ग्स हो गए, डेट और टाइम हो गया फिक्स पूरा, अभी एक्यूरेट 9/31/931 हो गया। क्लिक बाई, अभी मैंने यहाँ पे ऑथर नेम चेंज करा था कोड बाई आशीष, कोड बाई आशीष यहाँ पे चेंज हो गया है। कलर थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, ये थोड़ा इससे भी लाइट हो चुका है, जो अपन ने प्रीवियस फ़ोटो क्लिक करी थी ना, थोड़ा सा इसमें फ़र्क पड़ गया है कि थोड़ी डार्कर ज़्यादा है, मतलब ये जो बैकग्राउंड इसकी बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अपन ने यहाँ पे थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज किया था, तो इसका आउटपुट हमको थोड़ा बहुत लिटिल बिट चेंज होके भी आ चुका है। ठीक है, फॉन्ट कलर भी अगर आप चेंज करना चाहो, जैसे सपोज मैं चाहता हूँ येलो, तो मेरे को येलो कलर देना है, और इसका अगर मुझे मैं बोल दूँ कि मेरे को ब्लैक कलर चाहिए, है ना, प्योर मेरे को ब्लैक कलर चाहिए, तो मैं ब्लैक कलर डाल देता हूँ। ठीक है, हो चुका है अपने पास चेंज पूरा। ओके, जैसा अपन ने डाला है रिक्वायरमेंट वैसा का वैसा डेटा प्रिंट होके आ चुका है। ब्लैक कलर अपने दिया है और येलो कलर अपने फॉन्ट का, मतलब टेक्स्ट का फॉन्ट, टेक्स्ट का येलो कलर अपने दिया है, बैकग्राउंड कलर अपने ब्लैक डाला था, ये चीज़ें आ चुकी है पूरी की पूरी, और ये हो गया। अब सपोज इसमें मेरे को हाइड करना है, ऑथर नेम मेरे को नहीं दिखाना है, एप्लीकेशन नेम मेरे को नहीं दिखाना है, तो मैं इसको सिंपली फॉल्स कर दूंगा। इसको फॉल्स किया, इसको फॉल्स कर दिया। दूसरी चीज़,
सेट इमेज क्वालिटी, अभी फ़िलहाल मैंने हाई इमेज को कर रखा है, मैंने कि हाई क्वालिटी की इमेज कर रखा है, तो इसका इसकी साइज़ क्या आ रही है फिलहाल? देख, यू कैन सी 3.2 MB, 2.7 MB, मतलब MBs के अंदर आ रही है, वो भी मोर देन 2 MB। ठीक है, अगर मैं इसको लो कर देता हूँ तो अपने पास कितने साइज़ की ये फ़ोटो क्लिक करके ले गया, तो वो देख लेते हैं अभी इसमें। चलो इसके लिए भी एक अलग से एंगल चेंज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इसका फाइल मैनेजर में जाके देखते हैं फ़ोटो का आउटपुट। ओके, सबसे पहले तो मैं इसकी साइज़ चेक करवा देता हूँ। अपने लो क्वालिटीज़ का चेक चेंज कर दिया था, तो 318 KB ओनली, 300 KB के समथिंग ये फ़ोटो का आउटपुट लेके आया। अदरवाइज़ पहले क्या लेके आ रहा था, 2.7 MB, 2.87 MB, 3.20 MB, लाइक मोर देन MB, अभी ये KB के अंदर लेके आ गया। अगर आपको सर्वर पे लो क्वालिटी की इमेज या मतलब कम साइज़ की फ़ोटो अगर आपको भेजनी है तो आप इसको क्वालिटी को लो कर सकते हो। अब चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पे आउटपुट। मैंने एप्लीकेशन का नेम विजिबिलिटी उसकी हाइड कर दी थी, ऑथर नेम मैंने फॉल्स कर दिया, तो ऑथर नेम भी मेरा नहीं लिख के आया है, और डेटा भी पूरा एप्लीकेशन का नाम भी नहीं लिख के आया। और ये भी देख सकते हो आप, पूरा जो मार्जिनिंग है, पैडिंग है टेक्स्ट की, वो सारी एकदम पूरी एक्यूरेट आई है यहाँ पे। ठीक है, सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए चीज़ हेल्पफुल रही होगी। तो अगर ये चीज़ वास्तव में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही है, आपके प्रोजेक्ट या एप्लीकेशन में आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और बाकी आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे भी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें आती है या कोई भी बग आप फेस करते हैं तो आप मेरे को सिंपली मेरे गिटहब अकाउंट पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और उसके ऊपर काफ़ी ऐसी लाइब्रेरीज और भी पड़ी हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकते हैं, जिसपे वीडियो में आके काफ़ी बनाऊँगा अभी। और सो इस वीडियो को मैं अभी यहाँ पर यही एंड कर रहा हूँ, एंड थैंक यू सो मच।